एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्त। तो आज हम बनाएंगे सीएसएस में पेंगुइन। कोई भी कार्टून बनाना हो, एनिमल बनाना हो, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ऐसे हाथ भी हिला रहा है, हेलो बोल रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे लिखो डॉक। चलिए सबसे पहले देखो हमें एच टी अपने में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचा करो कि डिजाइन कैसा चाहिए, तभी हम एचटीएमएल में कुछ भी लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले एक स्पेस होनी चाहिए जिधर हमारा पेंगुइन ऐसे आएगा, उसको एक स्पेस चाहिए। उसको हम डिव दे के क्लास ऐड कर देते हैं, पेंगुइन की ही कर देते हैं। चलिए पेंगुइन सही है। उसके बाद इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में। यहाँ पे क्लास लिखो। सबसे पहले जो इसका बना देते हैं एक बॉटम पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेंगुइन बॉटम। बॉटम पार्ट में हम क्या क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखो डिव। इसमें आएगा एक राइट हैंड, यहाँ पे चलो एक आएगा दोनों हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एक दोनों फीट आएंगे। तो एक बस इतनी चार चीजें हमने बनानी है। यहाँ पे 2 3 4 लेफ्ट हैंड इधर रख दो, लेफ्ट राइट फीट, यहाँ पे आएगा लेफ्ट फीट। ये हो गया, फिलहाल इतना ही डिजाइन कर लेते हैं। और दूसरा भी हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा पार्ट, इसको हम बोल देते हैं पेंगुइन टॉप। जहाँ पे आएगा टॉप में जो भी हम लिखेंगे वो हम बाद में करेंगे इसका कोड। सबसे पहले जो हमने अभी अभी लिखा है उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कोड से। यहाँ पे लिखो स्टाइल टैग, यहाँ पे जो मैं कोड लिखूंगी बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा पेंगुइन एक जगह पे नहीं आएगा। बॉडी का बैकग्राउंड कलर लिखना है कि नहीं वो आपकी मर्जी है, ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये वाला मैं लगा देती हूँ, ये ही सही है। चलिए नहीं तो कोई और भी ले सकते हैं, ये एक कलर है लगा देती हैं। अब जहाँ पे आपने डॉट पेंगुइन लिखना है, डॉट पेंगुइन क्लास जो हमने लगाई है, डॉट पेंगुइन साथ में लिखो स्टार। ये वाला कोड आपने लिखना है, नहीं तो पूरा पेंगुइन आपका ऐसे बिखरा होगा, ठीक है, एक जगह पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ऑल डॉट पेंगुइन में जो जो भी हमने लिखा है, डॉट पेंगुइन क्या है, हमारा मेन स्पेस मान लो। इस डिव के बीच सारा कोड हम लगाएंगे, जितना भी कोड इस पेंगुइन वाली क्लास के बीच आएगा उसके ऊपर सारे के सारे कोडिंग के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो यही पूरी एक प्रॉपर्टी आपके पूरे पेंगुइन के एक जगह पे इकट्ठा करेगी। उसका हैंड बनाना है तो इसका हैंड लेफ्ट साइड में चाहिए, तो अपने आप वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाते ना, तो पेंगुइन का कोई हाथ कहीं होगा, इसका सिर कहीं और होगा, इसीलिए ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट लगानी जरूरी है, लगानी ऑल पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक कोड। अब हम चलते हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने लगाया है डॉट पेंगुइन क्लास जो हमारी, मतलब स्पेस, हाइट विड्थ लिखो कितना बड़ा आपने पेंगुइन बनाना है, 300 पिक्सल का बनाना है मैंने। इसकी अब पोजीशन रखेंगे रिलेटिव, तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के साथ मिलके काम करेगी रिलेटिव, ये पोजीशन और एक ये पोजीशन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करेंगी। अगर इसकी पोजीशन रिलेटिव रहेगी तभी ये जो पोजीशन है एब्सोल्यूट है तभी ये वर्क करेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जहाँ पे मैं पहले वेरिएबल बना देती हूँ, 3 वेरिएबल बनाने हैं, जरूरी नहीं है बनाने हैं, लेकिन थोड़ा इससे ईजी हो जाएगा। करना क्या है, हाइफन हाइफन कोई भी नाम लिख दो। मैं लिख देती हूँ पेंगुइन स्किन कलर। मैं जहाँ पे कलर लगा देती हूँ, 3 कलर चाहिए मुझे। एक मैंने ये वेरिएबल बना दिया, एक उसका स्किन कलर होगा, एक बेली कलर, एक बीक कलर। जहाँ पे लिख दो बेली, यहाँ पे बीक, ये उसके फुट एंड जहाँ पे जी ऑरेंज का जो कलर है ना जे वाला लगाएंगे। जहाँ पे लिख दो ऑरेंज, तो ये वाला जो बेली का है वो वाइट रहेगा,
तो ये स्किन कलर उसका ब्लैक रहेगा। ये मैंने तीन वेरिएबल बना दे, हम इसको बस रीयूज करते रहेंगे। अब यहाँ पे लिखो मार्जिन टॉप, मैं पहले रिफ्रेश भी कर रही हूँ ताकि आपको पता चले वो दिखेगा किधर। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, मान लो रेड लगा दिया, तो ये आ गया एरिया। इसको हमने सेंटर में लेके आना है, जहाँ पे लिखो मार्जिन टॉप। पहले इसको थोड़े से ऊपर से स्पेस दे देते हैं 5% की। अब इसको सेंटर में करना है, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन लिख दो ऑटो। तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है, चलिए सेंटर में आ गया, बस इसका यही काम है। अब चलो नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे इसका डॉट पेंगुइन टॉप। टॉप में इसके पास लिखो कितनी बड़ी हाइट विड्थ क्या चाहिए। टॉप की हम इसकी 50% रखेंगे, विड्थ जो हाइट है वो कम रखेंगे, 45% रखेंगे जो भी इसका हेड होगा। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाओ, मैंने जो वेरिएबल बनाया है वहाँ से ही हम लगाएंगे। इसका नाम है पेंगुइन स्किन, हम पेंगुइन स्किन ही कलर लगाएंगे। उसका जो सिर होगा वो ब्लैक कलर का होगा। ये जो रेड कलर है इसको आप हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बस यही चाहिए। तो मैंने मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी लगाई है, वो अप्लाई नहीं हुई। मार्जिन टॉप जी हो तो गई, लेकिन वो ऊपर से स्पेस नहीं मिली। मार्जिन टॉप एक हो गया, मार्जिन ऑटो मैंने लगा दिया, और हाइट विड्थ मार्जिन टॉप 5%। यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए, इसको हटा के फिर से लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं 5%। अब सही है, वो ऊपर वर्क नहीं करी थी, दोबारा लिख लेना एक बार अगर ना वर्क करे। इधर सही है, ऊपर से थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी। चलिए अब यहाँ पे लिखो पेंगुइन टॉप है। इसको डिजाइन कैसे करना है, बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे लिखो बॉर्डर रेडियस कैसे बनाना है, सारा काम यहाँ पे रेडियस का ही होगा। 70%, एक होता है लेफ्ट राइट, एक होता है टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो मैं जहाँ पे 70 70 लिख देती हूँ तो पूरा सर्कल बन गया, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं चाहिए। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी 60 60, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉटम, बॉटम से थोड़ा सा ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये इसका हेड रेडी हो गया टॉप। चलिए ये हो गया रेडी, टॉप से इसको 10% मूव कर दे, थोड़ा सा ऐसे मूव करना है, ठीक है। या जहाँ पे आ गया लेफ्ट से भी मूव करेंगे 25%। अब सही है, ठीक है, अब ओके है। चलिए इसको कॉपी कर लो, कॉपी अब हम बनाएंगे बॉटम। तो यहाँ पे देखो बॉटम, बॉटम को टॉप से ज़्यादा मूव करो क्योंकि वो इसके पीछे ही नहीं तो बन जाएगा, हमें चाहिए जहाँ पे, सही है इतना। और इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी चेंज करेंगे, विड्थ इसकी ज़्यादा रखेंगे, इसका जो वैली है ना इसकी वो थोड़ी सी इसके सिर से बड़ी होगी, ठीक है। 53% हो गया, बाकी इतना ही रहेगा। लेफ्ट से थोड़ा सा इसको कम कर दो मूव, 23। अब सही है, सेंटर में जहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है अब वो चेंज करेंगे, ये वाला हटाओ 100%, इधर से करो सेम ऐसे ही 100, इधर से कर दो। हंड्रेड फिर से लिखो,
अब सही है, ये हो गया, इसकी वैली हो गई रेडी। बस इसको इतने करना है, टॉप से हो गया, लेफ्ट से हो गया, इसका जो बैकग्राउंड स्किन कलर ही रहेगा। अब हमें इसका राइट हैंड बनाना है। अब बारी आती है राइट हैंड की। राइट हैंड यहाँ पे लगाओ डॉट। राइट हैंड बनाना है, सबसे पहले इसकी हाइट विड्थ लिखो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, 60% रहेगी इसकी हाइट। विड्थ कितनी रहेगी, 30 लगा देते हैं। बैकग्राउंड इसका रहेगा वही, स्किन कलर ही लगाएंगे, ब्लैक कलर का बनेगा ये। ये इधर बना। अब देखो मैंने कुछ भी यहाँ पे कोई इसको नहीं लगाया, बोला कि जहाँ पे हैंड चाहिए, तो वो पोजीशन प्रॉपर्टी लगाई है ना, वो अपने आप जहाँ पे उसने बना दिया हैंड, ठीक है, मुझे इधर ही चाहिए तो इसने इधर ही बना दिया, ठीक है। पोजीशन प्रॉपर्टी का यही फायदा होता है। इसको अब टॉप से थोड़ा सा मूव करो, 5% कर देते हैं। लेफ्ट से तो वो पीछे चला गया, सही है। अब हम इसको करेंगे, इसको लेके आना है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, 0% एक्स एक्सिस, 0% वाई एक्सिस। तो जब वहाँ पे वो ओके है, हाइट हो गई 60%। ये वाली प्रॉपर्टी ना हम बाद में ऐड कर देंगे, उधर सही है, इसको हम बाद में ऐड कर देंगे, यहाँ पे पहले हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लगाओ बॉर्डर रेडियस, मान लो 30%, 30% लगा दिया, चेक कर लेते कैसा दिखेगा। दूसरी साइड से भी लगा देते हैं 30%, तो वो है इधर। और अब यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी जो लगाई थी, टॉप से 5% मूव कर देते हैं, वो सामने भी नजर आना चाहिए। लेफ्ट से 25%, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हो गया। इसको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ये बहुत जरूरी है, -1 इसकी प्रायोरिटी सबसे कम रहेगी, तो वो बॉडी के पीछे नजर आएगा, नहीं तो वो आगे नजर आना है, ऐसा लगेगा कि उसकी बैली पे लगा है हाथ। और ये तो हो गया जहाँ पे, अभी वो हमें नजर नहीं आ रहा। इसकी जो हाइट विड्थ है, विड्थ हमने लगाई है 30%, हाइट है 60। अब यहाँ पे हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर दो, रोटेट करना है इतना करें, चेक कर लेते हैं इतना करके, तो वो आ गया, ठीक है, उसके पीछे था, वो यहाँ पे बाहर आ गया। ये हो गया हैंड रेडी, बस इसको कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो लेफ्ट। अब हमने लेफ्ट हैंड बनाना है, सेम ही बनेगा, बस इसको थोड़ा सा ये वैल्यूज चेंज करनी है। टॉप से हम 0% रखेंगे, लेफ्ट से ज़्यादा मूव करना है, तो वो दूसरा हैंड बन गया, ठीक है। इसको राइट साइड लेके जाना है, तो लेफ्ट से कुछ ज़्यादा मूव करो तो वो राइट साइड अपने आप चला जाएगा। और राइट हैंड हाइट विड्थ इसकी सेम रखेंगे, इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है ना, ये हटा देते हैं, तो वो आ गया। बॉर्डर रेडियस, अब इसका बॉर्डर रेडियस हम चेंज करेंगे, यहाँ पे 30 लिख दो, बस ओके है इतना ही, 30 यहाँ पे ज़्यादा लिख दो, जो 120 है वो इधर लिख दो, उल्टा कर दो, मतलब ऑपोजिट दूसरे के। ये हो गया 30 30, और जेड इंडेक्स इसका सेम, -1 रखना जरूरी है,
बस सही है, इस हाइट विड्थ भी इतनी ही रहेगी। चलिए ये हो गया राइट हैंड रेडी। अब हमने बनाना है यहाँ पे, चलो ये जो टॉप वाला है इसमें इसका कोड लिखो, क्या क्या हमें यहाँ पे चाहिए। टॉप वाले पे हम बनाएंगे, एक डिव लगाओ, प्लस इसको हम रख देते हैं राइट चीक, कॉपी लेफ्ट चीक, एक बनेगी इसकी बैली, बैली वाइट कलर की बनेगी वो, एक इसकी बनानी है आँख, पहले हम राइट आई बनाएंगे। और आंख के बीच है ना एक स्पार्कल बनेगा, वाइट कलर का उसकी आंख के बीच आएगा, तो स्पार्कल नाम रख देते हैं। अब चलो यहाँ पे पहले इतना डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे और यहाँ पे राइट चीक बना लेते हैं। यहाँ पे लिखो हाइट विड्थ, विड्थ इसकी रहेगी 60%, हाइट हाइट थोड़ी ज़्यादा रख दो। बैकग्राउंड कलर अब इसका हम वाइट रखेंगे, तो यहाँ पे लिखो वेरिएबल पेंगुइन और वैली कलर आएगा, तो वो बन गया। ठीक है, इसको डिज़ाइन करना है, इसको लगाओ बॉर्डर रेडियस, कैसे लगाना है 70% आप लगा के चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर्कल में आ गया 60%, बस सही है। इसको अब सेंटर में कर देंगे, बस इसका फेस बन जाएगा। टॉप से मूव कर दो, कितना करना है चेक कर लेते हैं, इतना 15, बस सही है। इसको लेफ्ट से मूव कर दो, लेफ्ट से थोड़ा सा कर देते हैं इतना, थर्टी फाइव, ये हो गया राइट चीक, सही है, बस इतना ही रहेगा। कॉपी करो पेस्ट, लेफ्ट चीक, लेफ्ट चीक, बस इसको हम लेफ्ट से कम मूव करेंगे, 5% कर दो तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो, और इसको हम कर देते हैं विड्थ सेम रहेगी, हाइट भी, बॉर्डर रेडियस भी सेम रहेगा, बस ऐसा ही होगा। ठीक है, ये हो गया उसका फेस, हो गया रेडी, बस ऐसे ही बनाएंगे। अब इसकी वैली, यहाँ पे वैली, वैली चेक कर लेते हैं, यही क्लास हमने लगाई हुई है, सही है। हाइट विड्थ रखो, हाइट इसकी 100% रहेगी, जितना जे वाला है ना, जे वाला इतनी बड़ी इसकी हाइट रहेगी। हाइट हो गई, जो विड्थ है वो हम थोड़ी कम रखेंगे, तो 95 रखो, क्योंकि ऐसे इसके अराउंड फिर वाइट कलर का हम कुछ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर रखो, इसका बैकग्राउंड कलर वेरिएबल के साथ लगाएंगे, कौन सा, बैली वाला लगाएंगे, तो वो आ गया। यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस पहले ऐड करो, एक बार इतना लगा के देख लेते हैं, थोड़ा बस इसको राउंड सा करना है, इधर से राउंड हो गया 100%, इधर से 100, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट अब सही है ऐसे, तो इसको उठा के नीचे ले आते हैं, टॉप से इसको मूव कर दो, कितना इतना कर देते हैं 15%, 15,
लेफ्ट से फाइव, टॉप से ज्यादा करो, 60 कर देते हैं। लेफ्ट से कम करो, हाफ रखो, 5 है, 2.5 रख दो। ये हो गया रेडी, सही है। अब लगने लगा है कि पेंगुइन है, ठीक है। चलिए बेली हो गई इसकी रेडी, बस इसका काम खत्म। अब राइट फीट बनाना है हमें, राइट फीट। यहाँ पे छोटा सा हम बनाएंगे, तो विड्थ हम इसकी रखेंगे 15%, हाइट हाइट हम रखेंगे 30%, बैकग्राउंड कलर। अब इसका बैकग्राउंड कलर वो आएगा ऑरेंज वाला, बीक वाला, वो आ गया, ठीक है। बैक पहले इसको मूव करो, टॉप से मूव करो, ज़्यादा मूव होना है क्योंकि बिल्कुल ऊपर है, तो उसको नीचे लेके आना है, पेंगुइन के बाहर लेके आना है, बस सही है इतना। बस सही है यहाँ पे, ठीक है। राइट फिट बन गया, अब लगाओ इसको बॉर्डर रेडियस। कैसे लगाना है अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, लगा के देख लो। 50-50 अगर कर दें तो सर्कल बन जाएगा, ये भी सही लग रहा है। थोड़ा सा इधर से कर दो, चारों साइड से, बस सही है। अब इसको हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट, माइनस में करेंगे तो ऐसे दिखेगा, सही लग रहा है। अब ये हो गया रेडी, और जेड इंडेक्स इसको ऐड करेंगे, ये पीछे जाना चाहिए बॉडी के, अब बिल्कुल सही लग रहा है, बॉडी के पीछे जाना चाहिए, अब लग रहा है कि इसका पैर है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया रेडी। लेफ्ट भी बनाना है, कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, लेफ्ट सेम रहेगा इसको, बस पहले रिफ्रेश करो, दोनों उधर ही बन गए। लेफ्ट से मूव करो, 25 कर देते हैं। तो वो बन गया, ठीक है, दोनों पैर बन गए। रोटेट करना है, यहाँ पे प्लस कर दो, अब सही है, दोनों पैर हो गए रेडी। पेंगुइन हमारा बस बनने ही वाला है। अब चलो यहाँ पे अब हम बनाएंगे आँख इसकी, तो हाइट विड्थ रखो पहले, 15% ओके है। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, वो बन गई। इसको करो मूव टॉप से, 45 कर देते हैं, साथ में लेफ्ट से भी होना है। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, परफेक्ट अपनी पोजीशन पे चली गई। अब लगाओ बॉर्डर रेडियस, बिल्कुल आँख बनानी है, 50%, चारों साइड से पूरा सर्कल में आ जाएगा, बन गई आँख, हो गई रेडी। चारों साइड पे ना भी लगाओ, एक पे ही लगा दो तब भी ओके है।
अब कॉपी करो, पेस्ट, जहाँ पे लिखो लेफ्ट, तो लेफ्ट अभी हमने मेंशन नहीं की, जहाँ पे चलो अब यहाँ पे आओ, इधर हम लगाएंगे आंख इसकी लेफ्ट, जहाँ पे हमने स्पार्कल लिखा हुआ है ना पहले, इसको उठा के राइट आंख के बीच लगाओ, ये जरूरी है। स्पार्कल वो चीज है जो आंख के बीच सर्कल आएगा, तो इसके बीच सर्कल तभी बनेगा अगर स्पार्कल का डिब इस डिब के बीच होगा। अब इस यहाँ पे एक और डिब लो, इसको क्लास ऐड करो। कौन सी बनानी है, लेफ्ट आई, ये आप याद से कर लेना। ये वाला जो स्पार्कल होगा ना, स्पार्कल हम इस राइट आई के बीच बनाएंगे, एक बनाएंगे तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, दोनों आंख में लग जाएगा, नहीं तो हम लेफ्ट वाली का अलग से बना देते हैं। इसको कॉपी करो, लेफ्ट आई के बीच दूसरा डिब लगाओ, उसका नाम स्पार्कल रख दो, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पे दो आंख बन गई, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रही, अब हम दिखाते हैं कैसे आनी है वो नजर। लेफ्ट आई बना दी हमने, इसको बस हमने करना है मूव, टॉप से लेफ्ट से बस मूव करो, 25 कर दो, तो वो आ गई, दो आंख बन गई। अब इसके बीच सर्कल बनाना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, स्पार्कल, हाइट विड्थ छोटा सा बनाएंगे, हाइट भी सेम रखो, हाइट विड्थ दोनों सेम आनी चाहिए, 35। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम इसका पिंक लगाएंगे, तो वो सो ऐसे नहीं, वाइट लगाओ, वो बनेगी, ठीक है। इसको बस उसके सेंटर में कर देना है, टॉप से मूव कर दो, बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए, सही है। अब लेफ्ट से मूव कर दो, लेफ्ट से थोड़ा सा मूव होना है, आ गया सेंटर में। अब इसको कर दो बॉर्डर रेडियस 50%, अब देखो परफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल आंख की तरह बीच में सर्कल आ गया। वो ऐसे ही हमने एक साइड पे ही रखना है, ठीक है, सेंटर में हम उसको नहीं रखेंगे। स्पार्कल हो गया रेडी, लेफ्ट से 15 ओके है। चलिए अब हम चलते हैं जहाँ पे कोडिंग पे, इधर आ जाओ। ये वाला जो डिब खत्म होता है आंख वाला, जहाँ पे एक और डिब लगाओ, इसको क्लास ऐड करो। ब्लश, ब्लश राइट, दो ब्लश बनेंगे, इसके गाल पे हम पिंक कलर का ब्लश लगा देंगे, एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा। चलिए ब्रश हमने बनाना है जहाँ पे, चलो यहाँ पे ब्लश हम बनाएंगे पिंक कलर का, पहले राइट वाला बना लेते हैं। हाइट विड्थ, हाइट 10%, विड्थ रख देते हैं 15%। पिंक लगाएंगे इसका बैकग्राउंड, पिंक ज़्यादा सही लगेगा, वो बन गया। ऊपर मूव करो, ज़्यादा मूव होना है, 65% करो, यहाँ पे आ गया। लेफ्ट से मूव करो, लेफ्ट से थोड़ा सा होना है, यहाँ पे आ गया। अब इसको लगाओ बॉर्डर रेडियस 50%, बिल्कुल सर्कल में, ये हो गया ब्लश रेडी, बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको करो कॉपी, यहाँ पे करो पेस्ट, यहाँ पे करो लेफ्ट, दो बन गए, उसके पीछे ही बना हुआ है। लेफ्ट वाले को मूव करो,
टॉप से इतने रहेगा, लेफ्ट से मूव कर दो, ज्यादा मूव करना पड़ेगा तो वो सही है, बस ओके है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इधर बस एक ही चीज बाकी है, यहाँ पे इसका जो एक चूंच जैसी होती है ना वो बनाना है हमने, तो यहाँ पे मैं डिब लगा देती हूँ ये दो, इसको हम बीक टॉप रख देते हैं, एक रहेगा बीक बॉटम, बस यही है, बाकी सब हो गया रेडी। यहाँ पे लिखो बीक टॉप डिजाइन करना है, इसको हम बनाएंगे टॉप, लिखो पहले हाइट विड्थ इसकी मेंशन कर दो, 20% रख देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, हाइट इससे भी कम रहेगी, 10%। बैकग्राउंड कलर इसका वही ऑरेंज रहेगा, वो बन गया ऊपर। इसको बिल्कुल सर्कल में करके तो इसको लेके आएंगे नीचे, टॉप से मूव करो 60% करके देख लेते हैं, साथ में करेंगे लेफ्ट से 30% कर देते हैं, और मूव करना है लेफ्ट से 40 कर दो, सही है, कॉपी कर लो, पेस्ट। यहाँ पे लिखो बॉटम, बस इसको थोड़ा सा टॉप से मूव कर देंगे तो वो देखो दो बन गए, बाकी तो ओके है, लेफ्ट से थोड़ा सा मूव और कर दो। और इसकी जो विड्थ है 20 पहले है, इसको कम कर दो, अब सही है, अब प्यारा लग रहा है, 16% अब सही है बस। चलिए पेंगुइन हमारा हो गया पूरा रेडी, अब बारी आती है एनिमेशन की। एनिमेशन हमने लगानी है राइट हैंड पे, इधर आओ राइट हैंड पे, यहाँ पे लिखो एनिमेशन, नाम मूव रख देते हैं, टाइम रख देते हैं इसका 2 सेकंड, इनफाइनाइट ये घूमता रहेगा, या मेथड इसका रख दो लीनियर मेथड रहेगा, बस की फ्रेम ऐड करो, इधर ही कर देते हैं, एनिमेशन का नाम लिखो मूव, हमने इसको इसका हाथ जो है वो घुमाना है, यहाँ पे लिखो 10% पे ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे, बस कितना करना है इतना करके देख लो, सही है। अब इसको बस वैल्यू चेंज करो, कॉपी पेस्ट, 30% पे इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हो, 130, फोर्टी परसेंट पे, 40 रहने दो, 50 पे कर देते हैं, जरूरी नहीं है, 50 पे हम इसको कर देते हैं, फिर से 110 ही लिख देते हैं, मतलब अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं यही वैल्यूज लिखनी है, 80% पे हम इसको और इंक्रीज कर देते हैं, तो वो लगातार हाथ अपना हिलाता ही रहेगा, अब देखो 100 कर दो पूरा, इधर 110 रहेगा, ये हो गया कंप्लीट।
बस हो ही गया। अगर आप इसको और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी हाइट विड्थ से चेंज भी करना, स्टार्टिंग से ही आप इसकी हाइट विड्थ से ज्यादा रखना, ठीक है? तो नहीं तो आपको सारा कोड फिर से करना पड़ेगा। तो बस ये हो गया हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।